नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल पीएचई अधिकारी वर्मा और वंदना उपराले ने लगाया लाखों का चूना। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के ग्राम पांगरा और भयावनी से है। बैतूल जल जीवन मिशन को पीएचई विभाग के अधिकारी वर्मा एवं वंदना उपराले ने भ्रष्टाचार का मिशन बनाकर रख दिया है। इन दोनों अफसरों द्वारा ठेकेदारों से सांठ गांठ कर लाखों करोड़ों के काम रेवड़ी की तरह बांट दिया है। नतीजा लाखों करोड़ों के कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और अपनी जेब भर कर दोनों अधिकारी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, जिससे लाखों करोड़ों का काम होने के बाद भी आज ग्राम स्कूलों आंगनबाड़ियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगाई गई टंकियां और नल कनेक्शन शोपीस बनकर रह गए हैं। आज पत्रकारों के दल द्वारा मुख्यालय से मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पांगरा और भयावाड़ी जाकर आंगनवाड़ी और स्कूल में जल जीवन मिशन योजना के कार्य को देखा तो पाया कि आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक शाला के लिए नल लगाने हेतु स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें लोहा का उपयोग नहीं हुआ तथा गुणवत्ताहीन होने के कारण टूट फूट रहा है। स्ट्रक्चर में नल नहीं लगे हैं। स्कूल और आंगनवाड़ी में रखी पानी की टंकी मात्र शोपीस बनकर रह गई है। यहां स्थित एकमात्र हैंडपंप जिसमें मोटर डाल दी गई है, परंतु उसे चालू नहीं किया है। स्कूल की शिक्षिका एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा जल नल लगाने हेतु घटिया सामग्री का उपयोग स्ट्रक्चर बनाने में किया जा रहा था, तो उनके द्वारा विरोध करने के बाद भी घटिया मटेरियल से स्ट्रक्चर तैयार किया है। आगे बताया है कि यहां पर स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में लगभग 200 बच्चे आते हैं। नल जल योजना चालू नहीं होने के कारण पानी की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहां पर जो नल जल योजना के तहत काम किया गया है, ये काम शोपीस बनकर रह गया है। शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया गया है कि यहां पर पानी के लिए मात्र एक हैंड पंप है, जो कि स्कूल एवं आंगनवाड़ी से काफी दूर है, जहां बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं। यदि कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बैतूल जिला ब्यूमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। भाई साहब, नाम बताइए आप। मेरा नाम बीनू भार्गव। कहाँ पर पदस्थ आप? मैं माध्यमिक शाला पांगरा में माध्यमिक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किया गया है, उसके बारे में बताइए आप। ये यहाँ ढांचा तो तैयार कर दिया, लेकिन वाश बेसिन शुरू नहीं हुआ। वाश बेसिन बने हैं यहाँ? नहीं बने। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? काफी दिन से मोटर डाल दी है वहाँ और पाइप लगा दी, लेकिन अभी तक वाश बेसिन इस्तेमाल के लायक काम शुरू नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब ये कि मोटर डाली है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है अभी? हाँ, पानी नहीं आ रहा अभी। और साइड में जो प्राथमिक शाला, उसके बारे में बताइए। वहाँ की स्थिति भी है इसी तरह। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? हाँ, अब 20 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चे लोग भोजन करेंगे, उसके बाद हाथ धोना है, बर्तन धोना है, इन्हें पीने का पानी धोना है, तो और पीने का पानी लेना है, तो उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा। अभी तक के बच्चे पीने का पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे थे? हैंडपंप से टंकी में भरवा लेते थे, उसी में से इस्तेमाल करते थे पीने का पानी। नाम बताइए। मैं श्रीमती चमन ठाकुर, माध्यमिक शाला भयावाड़ी। यहाँ पर जो जल जीवन मिशन योजना के तहत जो कार्य किया गया है, उसके बारे में बताइए। सर, कार्य तो हुआ है, लेकिन वो अपूर्ण रूप से हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। और जो बच्चे हैं, नल जल योजना जो है बहुत दूर है यहाँ से, तो जाने में उनको दिक्कत होती है, और वहाँ कुछ हादसा हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? पानी अभी उपलब्ध कहाँ से हो रहा है? पानी हैंडपंप से। हैंडपंप कितनी दूरी पे है? हैंडपंप यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है, और वहाँ जाने में बच्चों को दिक्कत होती है काफी। स्कूल में जो वाश बेसिन वगैरह लगाए गए हैं? नहीं, वाश बेसिन नहीं लगाए गए हैं अभी। मेरा नाम श्रीमती लता कामतकर है। मैं ग्राम पांगरा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा सेक्टर बैतूल 2 है। मैडम, यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य किया गया है, उसके बारे में आप बताइए। जल जीवन यहाँ पे सर टंकियाँ रख दी है, ऊपर हेडपम्प में मोटर डली है, और नल लगा दिए हैं। जल अभी चालू नहीं किया है, वो मोटर चालू नहीं की उनने, इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ा नहीं है अभी उसको। यहाँ कितने बच्चे हैं मैडम? मेरे आंगनवाड़ी में सर दर्ज 0 से 5 वर्ष के 52 बच्चे हैं। पानी आप अभी कहाँ से उपलब्ध करा रहे हो? पानी सर हमारे यहाँ हेडपम्प से ला रहे हैं, बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए वही उपयोग करते, पानी पीने के लिए भी वही उपयोग करते हैं। यहाँ पर वाश बेसिन बनाए गए हैं? जी नहीं सर। साइड में जो प्राथमिक शाला, वहाँ पर भी वाश बेसिन नहीं बने? जी नहीं बने। आप क्या कहना चाहते हो?
सर हमें पानी की बहुत आवश्यकता है, हमारे बच्चों की हमारी परेशानी जा रही है। मैं सुनीता गुजरी हूँ, यहाँ की सहायिका हूँ ग्राम भयाड़ी की। यहाँ हमारे पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर जो जल जीवन मिशन योजना का जो कार्य किया गया उसके बारे में बताइए आप। यहाँ नल जल की योजना का कार्य किया पर लेकिन पानी नहीं है, मोटर तो डाल दिए, कनेक्शन नहीं किया गया। हाँ, कनेक्शन नहीं किया, पानी नहीं आ रहा है। इस आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं? 52 बच्चे। पानी कहाँ से लाते हो आप? हम तो अभी गर्मी में बहुत परेशान, कहीं इधर से जाते खेतों से लाते हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी में आपकी वॉश बेसिन बनाया गया है? नहीं।